स्वागत है। और आज लेकिन ज्ञान की जो ज्ञान के प्रति रुचि है और ज्ञान के प्रति जो जिज्ञासा का भाव है उसको हम निरंतर बनाए रखेंगे, ऐसा मुझे ऐसे मेरी इच्छा ही है और ऐसे मेरे जो है वो परिकल्पना भी है। तो आज इस परिचर्चा में आप सबके साथ एक बड़ा अलग सा विषय है और बड़ा महत्वपूर्ण भी विषय है। और जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो है डिकोडिंग नॉलेज ऑफ फाइव भारतीय पैराबल्स। इंडियन शब्द यहाँ नहीं मैंने प्रयोग किया क्यों क्योंकि इंडियन शब्द जो है वो एक नितांत भिन्न अर्थ का द्योतक है और भारतीय शब्द अपनी पूरी एक संस्कृति को लिए हुए हमारे साथ चला आता है। तो पांच भारतीय दृष्टांतों के ज्ञान का निष्कूटन, उसके अर्थों को खोलना और उसके अर्थों में जिज्ञासा को रखना, इसी सारे के ऊपर आज हमारी चर्चा जो है वो निर्भर करेगी। पैराबल और जो दृष्टांत है इन शब्दों के भी बोध में बहुत अंतर है। पैराबल्स अगर आप देखेंगे तो सामान्य रूप से जो क्रिश्चियनिटी के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है कि क्राइस्ट ने क्या क्या किया और बाइबल में कौन कौन सी इस तरह की संक्षिप्त कथाएं आई हैं जो विश्वास के लिए हैं। और जिन दृष्टांतों की मैं आपसे चर्चा करूंगा और निवेदन करूंगा आप लोग इसको जो है इसका डिकोड करें, इसको ओपन करें, तो सारी बातों को सके हैं वो आप लोगों से आग्रह रहेगा कि आप उसको डिकोड करें। तो विषय में जैसे कि दृष्टांतों के ज्ञान का निष्कूटन है और उसमें पांच ने रखे हैं, इनकी मैं चर्चा बाद में करूंगा। लेकिन सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर why to talk about दृष्टांत, is it because of non-clarity, doubts, limitations और confusion about the knowledge, कि क्या हमारे ज्ञान में जो एक स्पष्टता बनी रहती है या संदेह होते हैं उसकी वजह से हमें इन भारतीय दृष्टांतों क्या है कि ज्ञान। दूसरी तरफ आप जब ये देखते हैं कि आपको ये दिखाई देता है कि एक ही छह की संख्या है वो नौ भी दूसरे पक्ष से देखते हैं तो आपको नौ दिखाई देती है। और इस जो पशु और पक्षी के रूप में आप ये चित्र देख रहे हैं पक्षी के रूप में भी दिखाई दे रहा है। तो दृष्टांत जो है मुझे लगता है कि ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत की एक नितांत सघन आवश्यकता है और उनके ऊपर हमें पूरी गंभीरता से चर्चा करनी भी चाहिए। अब ये हमने किया क्यों था, आज का आयोजन वस्तुतः संस्कृत विभाग की ओर से दो कारणों से है। एक तो जिन लोगों का जैसा कि मैं पहले कह ही आया हूं कि ये दृष्टांत शब्द के साथ साथ हम दृष्टांत दिए गए जो कथाएं हैं संक्षिप्त कहानियां हैं उनको हम डिकोड करें, उनको समझें और वो कैसे हमारे ज्ञान को निश्चित करने में सहायक हो सकती है। तो इन दो कारणों को ध्यान में रखते हुए आज की ये परिचर्चा है। और मेरा निवेदन यही रहेगा कि इस परिचर्चा में लंबा लेक्चर मत दीजिएगा, केवल टिप्पणियां ही दीजिए तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि हम सभी लोगों को सुन सके और जितने अधिक हमारे पास व्यू पॉइंट आ सके यही रहा कि भारतीय संदर्भ में दृष्टांत जो है वो इग्नोरेंस से नोइंग प्रोसेस की ओर लेके चलता है कि जहां पर हम अज्ञान में जीते हैं वहां से ज्ञान की ओर अग्रसर होने में वो हमारे सहायक होते हैं। लेकिन पैराबल जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने लगते हैं तो वो इग्नोरेंस या सिन से
हमें बिलीविंग बिलीफ सिस्टम की ओर लेके चलता है कि आप विश्वास करें, वो ज्ञान की ज्यादा बात नहीं। करते और इस विषय में आप लोग पढ़ भी सकते हैं कि पैराबल की जो पृष्ठभूमि है उसका जो इथॉस है इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दृष्टांत, लेकिन हमारे पास यही जो है इस वक्त शब्द जो है उपलब्ध है अंग्रेज में। सबसे ज्यादा जो दृष्टांत शब्द का प्रयोग होता है वो न्याय में श्री वो इसमें जो है दृष्टांत रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि अरुंधति दर्शन न्याय, जिसका मतलब होता है कि ज्ञात से अज्ञात अज्ञात की ओर जाना कि जो जाना हुआ है उससे आप जिसको आप नहीं जानते उसकी ओर इशारा करना, इसी तरह शाखा चंद्र न्याय काकताली न्याय ये सब आप देख सकते हैं और ये सारे आपको शास्त्रों में उपलब्ध हैं। और इसका और अधिक विस्तार दूसरा पक्ष जो है जो चांस में ज्यादा किया जाता है कि लटकी तलवार ही नीचे बकरा गुजर रहा था और उसके ऊपर वो तलवार अचानक संयोग से गिर पड़ती है तो ये अजात त्रिबाणीय न्याय हुआ। इसी तरह से अजात पुत्र नामोत्कीर्तन न्याय, बहुत प्रकार के अध्यारोप न्याय, अंधकूप पतन न्याय, ये सारे के सारे दृष्टांत वाक्य हमें अपनी परंपरा में मिलते हैं। और ये केवल ये मत समझिएगा कि इतने ही हैं, ये लगभग 250 के करीब जो है हमें न्याय में दृष्टांत वाक्य मिलते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। न्याय ये मैं दृष्टांत शब्द को पहले स्पष्ट जरूर थोड़ा सा आप लोगों के साथ करना चाहता हूं, तभी हम कथाओं की ओर अग्रसर होंगे। नाट्य शास्त्र में दृष्टांत तीन तरह से प्रयोग होता है, एक तो ग्राफिक इलस्ट्रेशन के रूप में, मैं उसमें ज्यादा नहीं डिटेल में जा रहा, केवल मोटी मोटी बात आप लोगों को बता रहा हूँ। ये दृष्टांत जो है ग्राफिक इलस्ट्रेशन के रूप में प्रयोग होता है, जो कि एक तरह लक्षण है 36 लक्षणों में पोएटिक कंपोजिशन के, उसमें से है। दूसरा जो दृष्टांत है वो एग्जेम्प्लीफिकेशन के रूप में प्रयोग होता है, और तीसरा जो दृष्टांत होता है वो फेवरेबल प्रेसिडेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एग्जेम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि वहां पर अलंकार के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, और न्याय की हम बात कर ही चुके हैं जहां पर एग्जाम्पल के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, ए फैमिलियर इंस्टांस जिसे आप कहते हैं। मीमांसा में इसका प्रयोग होता है एलिगरी के रूप में, रेफर्स टू वन ऑफ द वेरियस टूल्स यूज्ड बाय ऑथर्स डिस्प्लेइंग देयर स्किल्स इन द आर्ट ऑफ राइटिंग, तो दृष्टांत वहां प्रयोग होता है। व्याकरण में भी दृष्टांत का प्रयोग होता है सिमिलर इंस्टांसिस के रूप में, मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, आप सब पढ़ सकते हैं साथ साथ। काव्य शास्त्र जो परवर्ती है नाट्य शास्त्र के बाद, जो काव्य शास्त्र आप देखते हैं उसमें भी आपको 93 तरह के अलंकारों के बीच में आपको जो बिंब और प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में जो एक संबंध के रूप में दृष्टांत अलंकार आपको दिखाई देता है, और इससे मिलता जुलता ही एक निदर्शन अलंकार भी आपको दिखाई देता है जो कि दृष्टांत का एक तरह से पर्यायवाची शब्द प्रयोग हो सकता है। उसके बाद आयुर्वेद में भी जो है और एग्जांपल के रूप में प्रयोग होता है, योग में दृष्टांत शब्द जो है एग्जेम्प्लीफाई के अर्थ में प्रयोग होता है, और बुद्धिज्म में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पक्ष है उसमें कंपैरिजन के रूप में दृष्टांत शब्द को प्रयोग किया गया है। और उसके बाद जो है जैनिज्म में भी ये रेफर्स टू एन एग्जांपल, तो मैं बहुत इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन केवल आपको ये बता रहा हूं कि दृष्टांत शब्द की कितनी व्यापक जो है वो भारतीय दर्शन में पकड़ है, भारतीय लोक परंपरा में कितनी गहरी इसकी पकड़ है। अब इस दृष्टांत के बाद जिसकी हम चर्चा हमें करनी है, और वो मैं आपको बहुत संक्षेप में इन संक्षिप्त सी कहानियों को तीन तीन चार चार लाइनों में सुना रहा हूं, और उसके बाद We'll have open house discussion. आप अपनी अपनी राय दे सकते हैं, और बहुत जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि बहुत संक्षेप में आप अपनी टिप्पणी, अपना दृष्टिकोण और जो भी आपके
समझ है, जो भी आपका समझ में आता है उसको आप हमारे साथ शेयर करें। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों का सामान्य रूप से वेदांत की पूर्वक इसके अन्य पक्षों को भी देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली जो दृष्टांत है रजक धोबी जिसे आप कहते हैं, नदी पे अपने गधे को लेके जाता है अपने कार्य के लिए, लेकिन रस्सी ले जाना भूल जाता है, तो वो बड़ा परेशान होता है कि गधा इधर उधर चला जाएगा, तो गधा जो है इधर उधर ना चला जाए तो क्या करूं। तो उसके पास जो एक बुद्धिमान व्यक्ति साधु जो गुजरता है, तो उसको वो जो परेशान देखता है तो उससे पूछता है, तो वो उसको बताता है अपनी परेशानी के रस भूलाया हूं और मैं घर जा नहीं सकता लेने के। तो उसने कहा इसमें कोई कठिनाई नहीं, तुम इसके गर्दन में अपना हाथ उसी तरह से फेर दो जैसे तुम रस्सी बांध रहे हो, बट मेक श्योर ही सीज इट, कि वो अपना इसको ऑब्जर्व करे कि जो भी तुम क्रिया कर रहे हो। और ये कहके वो साधु या वो बुद्धिमान व्यक्ति चला जाता है और धोबी बैठा रह जाता है। बड़ी होगी ये साधु ने उसका बंधन को अनुभव कराया था, वैसे ही दोबारा हाथ फेर के जैसे तुमने उसका बंधन खोल दिया है इस तरह का उसको अनुभव कराओ और निश्चित करो कि वो देखे इस बात को, इस प्रक्रिया को देखे। और धोबी ने वैसा ही किया और वो जब उसने कहा चलो तो वो गधा चल पड़ा। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण और गंभीर विषय वाला जो है ये दृष्टांत है संक्षिप्त कथानक है। ये एक है जिस पे आप लोगों की राय और इसके ज्ञान की जो बात है कि गधा धोबी और साधु पुरुष और बीच में रस्सी और बीच में क्रिया, इन सब के अपने विभिन्न जो अर्थ हैं और किस तरह से मिलके हमें एक किस तरह के ज्ञान की ओर अग्रसर करते हैं ये जानकी बात है। सोए थे सोए सोए एकदम हड़बड़ा के उठते हैं, देखते हैं कि भाई उनको उनके ऊपर आक्रमण कर दिया गया है नींद में और पराजित हो गए हैं, और पराजित होकर राजा ने उनको बंदी बना लिया है और उनको देश निकाला दे दिया। और भूखे प्यासे राजा जनक जो है वो भटकते हुए इधर उधर जा रहे हैं और कहीं उनको ना पानी मिल रहा है ना कोई उनको आश्रय देने के लिए तैयार है। और भूख के मारे बुरा हाल है अपमान के कारण। तो ये सारा करते करते वो एकदम हड़बड़ा करके उठ बैठते हैं और उन की हड़बड़ाहट को सुनकर के उनके सैनिक आते हैं, तो राजा एकदम पसीने से नहाया हुआ परेशान होते हुए उनको कहता है कि ये सच या वो सच। सैनिक कुछ नहीं समझ पाते, वो तुरंत जाते हैं रानी के पास और अन्य अन्य लोगों के पास, मंत्रियों के पास, और सभी आते हैं राजा को पूछते हैं कि भी क्या हुआ क्या हुआ। और राजा के मुंह से केवल एक ही बात निकलता है, ये सच या वो सच। क्योंकि अंदर की बात किसी को कुछ नहीं समझ में आती। और अंत में इस सारी स्थिति को देखते हुए जो है अष्टावक्र को आमंत्रित किया जाता है और अष्टावक्र जब आते हैं उनके सामने, तो राजा के फिर वही प्रश्न होता है कि ये सूत में वर्तमान में आर पार देख सकते हैं। वो तुरंत समझते हुए राजा जनक कहते हैं तो जो सच नहीं सच, तो राजा जनक ने कहा कि फिर क्या सच, तो अष्टावक्र का उत्तर था तुम ही सच। और ये बात कहते ही राजा जनक है एकदम तो ऐसे ही किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ करके जब 10 लोग नदी पार करके आए तो उन्होंने कहा कि एक बार हम गिन लें कि हम सब
पूरे हैं। तो जब वो गिनने लगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 गिना और अब परेशानी खड़ी होगी 10वां कहां गया। सभी ने गिन लिया और हर बार जो है वो गिनती 9 ही आई। और करते करते एक साधु पुरुष जब वहां से गुजर रहा था तो उसने उनकी परेशानी पूछी, तो उनका कि हम जितनी बार गिनते हैं चले तो 10 है लेकिन जितनी बार गिने हैं वो 9 ही है। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है तो दोबारा तुम गिनो। दोबारा गिनने पे जब 10वां व्यक्ति गिन रहा था तो उसने 9 जब गिन लिए तो साधु पुरुष ने 10वें पुरुष का हाथ पकड़ के पीछे की ओर मोड़ते हुए उसके अपनी ओर मोड़ते हुए उसे कहा दशमा त्वमसि तुम 10वें। और ये कहते ही उनके चेहरों पे खिल खिलाहट आ गई। जो वो भूले हुए थे जो उनमें मिसिंग एलिमेंट था वो प्रभावी हैं और कहां कहां हम जीवन में इन दृष्टांतों को मिस करते हैं। चौथा जो दृष्टांत है वो बड़ा रुचिकर है। वो है कि एक काशी नरेश का जो है का दृष्टांत है। कि वहां पर एक नाटक किया गया और नाटक में जो रानी थी उसके पुत्र को जो है जो बहुत अभी 5 वर्ष का ही था उसको नाटक में एक कन्या का रोल दे दिया गया। उस तरह के नाप करके उसको जो है सजा के उसको मंच पर प्रस्तुत किया गया। ये कथा मैं बहुत संक्षेप में सुना रहा हूँ। तो उसके बाद क्योंकि वो बालक बालिका के रूप में बड़ा सुंदर लग रहा था तो एक चित्रकार ने उसकी पेंटिंग बना दी और वो पेंटिंग बना करके रानी को ऑफर कर दिया और रानी ने अपने जहां पर भी रखवाना था उसको रखवा दिया। उसके बाद समय बीतता गया, राजकुमार बड़ा हो गया तो एक बार बड़ा होकर के राजकुमार 17, 18, 20 साल का जब हो गया तो चीजों को इधर उधर पलटते हुए उसने उस तस्वीर को देखा। तस्वीर को देख करके उसके मन में आया कि ये तो बड़ी सुंदर कन्या है और ये मेरी ही उम्र की अब होना चाहिए लगभग, तो मैं इसी से विवाह करूंगा। तो यानी कि एक फोटोग्राफ देख करके चित्र देख करके उसके मन में उसके प्रति स्नेह का भाव प्रेम का भाव जाग गया। लेकिन ये नहीं पता कि वो कहां पर है कहां रहती है कहां नहीं रहती, तो इस वजह से वह उदास रहने लगा। अब ये बात जब बाकी लोगों ने भी देखी, सेवकों ने देखी, रानी ने देखी, लेकिन किसी को उस राजकुमार ने अपनी बात नहीं बताई कि उसको प्रेम हो गया। अंत में जो सबसे बुद्धिमान मंत्री था उसने उस राजकुमार को अप्रोच किया और उसे अंत में ले जाकर पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों? तो उसने बताया कि मुझे एक इसी तरह कन्या पसंद आ गई है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तो मंत्री कहा यह बड़ी अच्छी बात है, तो कहाँ रहती है, कौन है वो? तो राजकुमार ने कहा कि मैं नहीं जानता। तो जान नहीं था तुम्हारी नहीं बात कितना जैसा प्रयोग करे थे कि एक बार सिंह ने सिंह शाह को जन्म दिया लेकिन वो साथ ही साथ मर गई और जो आसपास की भेड़ें थी उन भेड़ों ने उसका पालन पोषण किया और भेड़ों के साथ रहते रहते वो सिंह जब युवा हुआ तो वो भी भेड़ों की तरह ही आचार व्यवहार करता रहा। अब एक दिन एक सिंह ने उस भेड़ों के झुंड पर समूह पर आक्रमण किया तो उसमें से वो जो है आइए अच्छा तो उस सिंह ने जब आक्रमण किया तो वो सिंह भी भागने लगा तो सिंह ने उसको पकड़ लिया और उसको कहा कि तुम क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं सिंह नहीं हूं, मैं तो भेड़ ही हूं। तो वो सिंह
छोटे सिंह को ले जाकर के पानी के पास ले जाकर के उसका चेहरा दिखा करके उसका प्रतिदिन दिखा करके उसको कहा कि देखो तुम मेरी तरह दिखाई देते हो और अब तुम मेरी तरह ही गर्जन करो। और जब उसने गर्जन किया तो उसने अपने स्वभाव को उपलब्ध कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो ये पांच दृष्टांत जो हैं ये अलग अलग लेकिन बहुत ज्ञान की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब ये है कि इनको हम किस तरह से इंटरप्रेट करें और ये हमारे जीवन के साथ किस तरह से संबंधित हैं, इन सब बातों को जानने और समझने के लिए आप लोगों को हमने सादर आमंत्रित किया है। तो मैंने बहुत संक्षेप में आप लोगों को ये सारे पांच के पांच दृष्टांत बनाए हैं। दृष्टांत की ज्ञान भूमिका भी आप लोगों से स्पष्ट करी है। तो अब आप लोगों की और जी कोई भी अपनी टिप्पणी देना चाहे आप यू आर वेलकम। तो मुझे लगता है कि फिर डॉक्टर रमाकांत जी से ही बात शुरू करें। आप लोग अपना चर्चा करो बेटा। जी ठीक है। तो ये पांच जो दृष्टांत हैं इनके ऊपर हाँ सदानंद जी प्लीज आप अपनी बात रखें। हेलो क्या मुझे तो यार तो दबी आई अभी क्या हो रहा है बार बार ये। नमस्कार सर। आशुतोष जी आवाज आ रही है? आशुतोष सर आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी आवाज आ रही है। जी 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 मैं हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हाँ जी सब सबको मेरा सादर नमस्कार। अंगीकार जी को बड़े अंगीकार जी को भी सादर नमस्कार। सर आप आज बाजी माल के गए गए मैंने सोचा था कि इसको इसके आरंभ मैं करूंगी आपसे आज्ञा लेके लेकिन मुझे लगा 10:30 का समय है। मैंने ठीक 10:05 पे ज्वाइन किया तो आपका आरंभ हुआ हुआ था मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। अब मैं दृष्टांत तो आपसे बड़ा दृष्टांत कोई है नहीं। इसका नाम अभी मैं सोच के बताऊंगी क्या हो सकता है। एक कोई न्याय हम अपना भी रख सकते हैं अंगीरस जी रख सकते हैं ना आज के आधुनिक संस्कृत में अपना न्याय भी रख सकते हैं। अच्छा कुछ चीज मैं विषय से हटके आपके लिए कहना चाहती हूँ क्योंकि जो विद्वत जन है उन सबको पता है वैसे आपके विषय में। आप मुझे थोड़ा सा परमिशन दें इस बारे में कि मैं कुछ कह सकूँ। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर एक छोटा सा हमारा मन का उद्गार है। अग्नि शिखा सा ज्ञान का स्फुलिंग मृदु प्रीति का सागर सा याज्ञवल्क्य नचिकेता सम ज्ञानी संस्कृत की पाठशाला सा कमल सदृश कुसुमित सुगंधित चंदन सम शीतल सुवासित धन्य धन्य है संस्कृत जगत पाकर तुम जैसा परिपोषक श्वेत आंगना माँ शारदा के अनन्य उपासक एवं कृपा पात्र डॉक्टर आशुतोष अंगिरस के षष्ठी पूर्ति की वेगा में हम सब उनके शतायु दीर्घायु स्वस्थ मंगलमय एवं सुखद जीवन की कामना करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा दृष्टांत है हमारे लिए निदर्शन भी है सर। आशुतोष नहीं वह तो स्वतः तोष है। और अंगिरस जी ने जब नाम रखा होगा आशुतोष तो आशुतोष तो जल्दी संतुष्ट होंगे वाला नहीं ये तो अपने आप में ही संतुष्ट है सर। पिताजी से मेरा ये बात कह रही हूँ मैं थोड़ा सा आग्रह है सर ये मेरा थोड़ी गलत बात है वैसे लेकिन मैंने कह दी बस मुझे अनुभव हुआ तो मैंने कह दी। वो तो स्वतः संतोष है ऐसा उनके व्यक्तित्व उनकी निष्ठा उनका दृढ़ संकल्प और देववाणी संस्कृत के प्रति उनके समर्पण से सिद्ध होता है। एक सहृदय संतोष के रूप में सर मैं हमेशा इनको एक सेमिनार मैं कहती थी तो इसलिए मैंने संगोष्ठी पुरुष के रूप में आपने संस्कृत को एक नई दिशा से तार्किक रूप से स्थापित करने का प्रयास किया। मानो गौतम ऋषि का तर्क आपके मना मस्तिष्क में सर्वदा स्थित रहा। आपका कुशल मार्गदर्शन और अभिभावक रूप अत्यंत प्रशंसनीय है। वाणी और शब्दों में आपके अथक प्रयास एवं सतत परिश्रम को कहना कठिन ही नहीं असंभव ही है। मैं तुलसीदास तो नहीं जो कह दूं किमी बंगों में मूढ़मति या कालिदास भी नहीं
कह दूं कुछ हो आरंभ एक नया जीवन, पुरातन हो सनातन है कामना शत शत पथ पाथेय सर्वदा रहे निष्कंटक, जीवन का हर क्षण हो कवित्व में, जीवन हर का हर क्षण हो मंगल में है, इन्हीं शुभेच्छाओं सहित भाभा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपने मुझे 2 मिनट का समय दिया। डॉक्टर सदानंद जी, योर रिस्पॉन्स टू दिस स्टोरीज। अनम्यूट कर लें डॉक्टर, डॉक्टर साहब। अनम्यूट नहीं शायद। इसलिए इसमें जब तक वो डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आशुतोष जी, पहले तो आपको सेवानिवृत्ति के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई, और मैं थोड़ा सा झिझक रहा हूँ एक्चुअली अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि जहाँ अंकल जी बैठे हो और अन्य विद्वान बैठे हो, उनकी मौजूदगी में कुछ कहना में थोड़ा सा झिझक हो रही है मुझे। नहीं नहीं, झिझक वाली कुछ नहीं है। क्योंकि अच्छा, जहां तक बात है आज के दृष्टांत की सर, जो पहला और आखिरी दृष्टांत है, मेरे विचार में दोनों का संबंध स्वभाव से है। जैसे आपने पहले कहा, पहले वाले दृष्टांत में वो गधे वाला जो है, तो मुझे स्मरण हो रहा है भगवद गीता के श्लोक का, कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू चाहकर भी, तू कह रहा है कि मैं नहीं लड़ना चाहता, परंतु तेरा स्वभाव तेरे को लड़ने के लिए मजबूर करेगा। स्वभाव वर्तता है। वो गधे को ये था कि भाई ऐसे होगा तभी वो आगे चलेगा, क्योंकि जब वो हमें एक एक प्रकार का निश्चित व्यवहार करने लगते हैं तो वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब वहां पर ये कहा कि स्वभाव वर्तता है, उस दृष्टांत से मुझे भगवद गीता का वो उपदेश याद आता है। दूसरा जो अंत में आपने दिया है दृष्टांत, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है सर, क्योंकि वो जो शेर है, जहां रहते जिनके साथ, वो अपनी वास्तविक प्रवृत्ति को भूल चुका है, यानी जिसे आप कहते स्मृति भूल चुका है। इसीलिए अंत में अर्जुन क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब उसको सारी बात बता देते हैं, जैसे कि उस शेर ने उसको पानी में दिखाया तालाब में, ठीक उसी प्रकार से जब श्री कृष्ण उसको बता देते कि तेरे क्या कर्तव्य हैं, तुझे क्या करना है, तब वो क्या कहते हैं कि मेरी स्मृति जो है वो वापिस आ गई है, ठीक जैसे उस शेर के बच्चे को आई। तो ये दोनों ही दृष्टांत मैं समझता हूँ कि भगवत गीता के इन श्लोकों से प्रेरित कहे जा सकते हैं। जहां तक बात है सर, एक आपने शायद जनक जी की बात कही थी, वो इल्यूजन है, और इसके ऊपर तो अष्टावक्र ने सर जो उनका 19वां श्लोक है पहले अध्याय का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मिनट कहें तो मैं पढ़ भी देता हूँ। जी जी ठीक है, एक मिनट सर। राइट राइट, वो कह रहे हैं यथेवा दर्शन मध्यस्ते रूपंते परितस्तु स तथेवास्मनि छिद्यंते परित परमेश्वर है। Just as the mirror exists inside and outside the image reflected in it, so the supreme self exists inside and outside this body. वो जो जनक वाला प्रसंग है वो ये है कि हम जो वास्तविकता जो हमारे अंदर है उसको ना देखकर हम जो है स्वप्न के रूप में जो इल्यूजन है उसको देखते हैं, और इस संसार को भी उसी प्रकार से देख रहे होते हैं। तो इस इल्यूजन को, भ्रम को दूर करने की बात मैं समझता हूँ कि उस दृष्टांत से हमें मिलती है।
बाकी दो मैं सर याद नहीं आ रहे कौन से थे, थोड़ा सा बताएं तो ठीक उन है पर भी सर, बता कह देता हूँ। ठीक है सर। नहीं, ठीक है, ये आपके गीता के माध्यम से इंटरप्रिटेशन ठीक है। तो जब तक हम किसी और का एक वक्तव्य ले लेते हैं, डॉक्टर हाँ आनंद जी, जी। आशुतोष जी, जी सर, डॉक्टर देशबंधु सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। आशुतोष जी, संतों पे कोई समय और मेरे आदरणीय आवाज तो आवाज अट ब्रेक रही डॉक्टर साहब की। मात्र आज दिन अपनी बधाई देना चाहता हूँ सेवानिवृत्ति के अवसर पर, और दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस कॉलेज में ही नहीं आसपास के सभी कॉलेजेस में आपने जो शोध का एक जो है दीप जलाया, उसके लिए आपको कोटि-कोटि प्रणाम। और इसके साथ में दो बातें जो मुझे अच्छी नहीं लगी उसके भी कह सकता हूँ कि एक तो आपने कहा कि ये जो रिसर्च सेंटर आपने इतनी अच्छाई से शुरू किया था और एक बड़े अच्छे मन से शुरू किया था, जब मुझे मैसेज मिला कि आपने लिखा कि इसको अब हमें जो है वो वाइंड अप कर देना चाहिए, तो मैं नहीं समझता कि एक चीज शुरू करनी बहुत मुश्किल होती है, उसको वाइंड अप करना बहुत आसान होता है। आपने एक अच्छी चीज, अच्छी नींव रखी थी। मैं तो ये कि हमारी कॉलेज की प्रबंधकारिणी, हमारे कॉलेज के प्राचार्य महोदय इस पे एक बहुत बड़ा भवन जो है वो खड़ा करें। और दूसरी जो आपने लिखा कि लास्ट कर्मा नहीं, ये कर्म तो आपके चलते ही रहेंगे, और एकेडमिक कर्मा जो है, एकेडमिक कर्मा तो आप जैसे विद्वान अगर ये कहें कि ये मेरा लास्ट एकेडमिक कर्मा है, तो मैं सहमत नहीं, क्योंकि हमें तो अभी आपकी सेवाएं जो हैं वो युवाओं को, जो हमारे सनातन धर्म विद्यालयों महाविद्यालय से युवा जुड़े हुए हैं जिनके मन में बहुत ही भ्रांतियां हैं, मैं तो बहुत देर से आपकी सेवानिवृत्ति की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप यहाँ से एक बंधे हुए टाइम टेबल से फ्री हों और हम आपकी सेवाएं जो हैं वो इस्तेमाल कर सकें। तो जी ये दो बातें मेरे मन को कहीं ना कहीं चोट रही थी, तो मैंने कहा कि मैं आपको शेयर करूं, तो इस पे आप पुनर्विचार कीजिएगा। ये तो हमने कह दिया कि ये लास्ट एकेडमिक कर्मा नहीं है, एकेडमिक कर्मा क्योंकि ये चीज मैंने भी आशुतोष जी को लिख के भेजी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट टर्म तो विद्वान का कभी होता ही है ना, ये बात मैंने भी लिखी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। पूर्ण सहमत हूँ लास्ट का मतलब तो मैं सर मैं भी सहमत हूँ इस बात से। कर्म करने वाली बात है तो अगर थोड़ी कभी नहीं दे बंधु जी, ये तो इन्होंने भगंडा किया है इसके, ये हमारा वेलकम अधिकार हम इनको कह सकते हैं। धन्यवाद तो इस करके दिल की गहराइयों से आपके स्वस्थ जीवन के लिए, और एक इंडिपेंडेंट, अब तो आप एक इंडिपेंडेंट पक्षी हो गए, हम आपको जो है वो पकड़ के कहीं भी ले जा सकते हैं, पहले तो आपके पास लाखों बहाने थे, ठीक है नहीं? तो अभी हमारे युवाओं को आप जैसे विद्वानों की, आप जैसे महापुरुषों की बहुत जरूरत है, ठीक है? तो एक बार पुनः आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ ठीक है, थैंक धन्यवाद, यू सर। धन्यवाद। आशुतोष जी, मैं भी बीच में 2 मिनट का समय लेना चाहूंगी। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके आगामी जीवन के लिए। बिल्कुल सही कहा देश बंधु जी ने, मैं तो इस समय का इंतजार कर रही थी जब आप एसटी कॉलेज के स्टैंपिंग से बाहर आएंगे, और हालांकि मैं पकड़ लेती थी फिर भी अपने कार्यों के लिए, लेकिन अब आप अच्छे से हमें समय दे सकेंगे, तो ये बहुत आपकी अगले जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं आशुतोष जी आपके लिए बहुत। और मैं अगर अगर हो तो मैं एक भाव है मेरा, सिर्फ 2 मिनट में अगर आप मुझे समय दें तो मैं बोलूं। थैंक यू मैम। जी,
आशुष जी, मैंने आपके बारे में कुछ लिखा था कुछ समय पहले जब आप मेरे पास आए थे, हालांकि मुझे लगता है कि कुछ इसमें मैं उसको प्रस्तुत करना चाहूंगी, और वो है कि ऊंचाइयों पर वह उसने कविताएं नहीं लिखी कोई बात नहीं, उसने चित्र नहीं बनाए कोई बात नहीं, उसने संगीत नहीं सीखा कोई बात नहीं, लेकिन वो इन सबों में रहता है और जब भी अवसर मिलता है इन कलाओं में डुबकी लगाता है। ये मेरे मन में विचार तब आया था, आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ा नहीं था, कोई डिसिप्लिन छोड़ा नहीं था, तो मैं इसीलिए ये लिख पाई कि इन कलाओं में जब भी अवसर मिलता है डुबकी लगाता है, खुलकर स्वाद लेता है, भूरी भूरी प्रशंसा करता है और इनकी ऊंचाइयों में जीतता है। वह निर्मल हृदय है, दयावान है, क्योंकि मैंने जब भी आपसे सहयोग मांगा, अच्छे से अच्छा मित्र है, वक्त पर काम आता है, एक सच्चा और ऊंचा इंसान है, और अब इससे अच्छी कविता क्या हो सकती है, जो लिखी जाए या ना लिखी जाए क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। आशुतोष जी, आगामी अच्छे सुखद जीवन के लिए, तंदुरुस्त जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे जी, एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, कि आशुतोष जी में एक और गुण भी है, ना तो खुद चैन से बैठते ना दूसरे को बैठने देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जब तक बात अपनी बात दूसरे के दिमाग में डाल ना दें, वो बार बार फोन करके बार बार उसको डिस्कस करते हैं, तो ये बहुत बड़ा गुण होता है एक इंसान का जो आशुतोष जी में है। आशुतोष जी विरले हैं और एक ही रहेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है इस बात से। पता नहीं सामिया मिलो देखने नमस्कार जी आशुतोष सर, नमस्कार। आपको आपके सेवानिवृत्ति के अवसर पर बहुत बहुत बधाई सर। मैं फिजिक्स का एक छात्र मतलब स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन आपके साथ मैंने फिजिक्स में 2-3 सेमिनार किए हैं, तो मैं सभी की बातों का समर्थन करता हूं कि आप में गुण हैं, साइंस को समझने के भी हैं, आपने साइंस को संस्कृत के साथ भी कोरिलेट किया हुआ है, तो इसलिए आज हमारे कॉलेज में एक बहुत अच्छे जो अच्छे टीचर हैं वो हमसे जुदा हो रहे हैं। लेकिन मैं डॉक्टर देशबंधु सर की भी बात का समर्थन करता हूं कि ये आपका इस कॉलेज के लिए हो सकता है लास्ट कर्मा, लेकिन आपने हमेशा ही ऐसे ही नए नए जो सेमिनार हैं वो सभी के लिए करना है, आपने जो दीपक जलाया है उसको और आगे बढ़ा के लेके जाना है सर। तो मेरा अपनी तरफ से और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आपको आगामी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई सर, और आपसे हमें हमेशा ही मोटिवेशन मोटिवेशन मिला है सर आपसे हमें। आवाज आ रही है सर आशुतोष सर? हेलो हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज? अच्छा अच्छा मैम, सर से कोई रिस्पांस नहीं आया, शायद आवाज नहीं आई। आशुतोष जी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है सर, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम आशुतोष जी की। अच्छा अच्छा सर, बोल तो रहे हैं। कई टेक्नोलॉजी जो है वो फेल हो जाती है, टेक्नोलॉजी प्रॉपरली काम नहीं कर पाती, तो इसलिए थोड़ी सी ये दिक्कत हो गई, लेकिन मुझे लगता है अब मेरी बात स्पष्ट होगी। डॉक्टर नमस्ते आशुतोष जी, बहुत बहुत आभार डॉक्टर प्रदेश जी। नमस्ते आशुतोष जी, नमस्कार डॉक्टर सर, नमस्कार।
हाँ, मैं डॉक्टर राजेश चौहान बोल रहा हूँ जैन कॉलेज से। सर मेरा सभी को प्रणाम, और विशेषकर है ना आज के नायक है ना डॉक्टर आशुतोष जी को प्रणाम। मेरे को पता चला कि आशुतोष जी आज रिटायर हो रहे हैं, तो आज का है ना ये सेमिनार में मैं जरूर जुड़ना चाहता था। सर मैं आपके है ना ज्ञान को है ना प्रणाम करता हूँ, और हम धन्य हैं कि हम है ना आपके आसपास है ना आपको सुन पाए। इतना है ना अद्वितीय, इतना अद्भुत और इतना विरल है ना मैंने व्यक्तित्व नहीं देखा। मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में सभी है ना विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जितने सेमिनार होते होंगे आशुतोष जी की है ना भागीदारी है ना उन सबसे ज्यादा है। तो सर मैं आपके ज्ञान को है ना प्रणाम करता हूँ, आपके व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूँ, और आपके व्यक्तित्व पे है ना मेरे को एक खूबसूरत सा शेर याद आ रहा है, मैं सभी साथियों से शेयर करना चाहूंगा, विशेषकर जी। आपके लिए, कि जहां जहां जलेगा अपनी रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मता नहीं होता। तो थैंक सर यू। हम धन्य हैं आपको सुन के पाके, और हमारी इच्छा रहेगी कि हम आपके है ना ज्ञान की छाया में है ना यदा कदा आते रहें, और अपना हमें जीवन में हमें एक राहत सी मिलती है आपके आपको सुन के, आपसे बात जी करके। जी जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। और इस अवसर पे सर मैं आपके है ना सुखद सक्रिय और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ, कि आपका आगामी जीवन है ना स्वस्थ रहें और आप यूं ही सक्रिय रहें। प्रणाम जी, धन्यवाद। सर। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। नमस्कार आशुतोष सर, मैंने अभी आपको शायद टेक्निकल उसके कारण सुना नहीं होगा, नहीं 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 आप बहुत उत्साही हो, आप जैसे मिलनसार और अपने छोटों का ख्याल रखने वाले जो हमारे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर रहे हमारे साथ। आपके साथ ही मैंने 2-3 सेमिनार में काम किया है, तो उससे आपका जो डेडिकेशन है और जो साइंस के प्रति आपका समर्पण है वो हमें सभी को पता ही है इस चीज का। तो आप तो आगे सुखद जीवन की शुभकामनाएं, और हमेशा ही जी ऐसे आगे आप एक्टिव रहें सर, बहुत बहुत जी बधाई सर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आभार डॉक्टर। तो मुझे लगता है दोबारा अपने विषय की ओर हम थोड़ा सा अग्रसर हों। ये जो डॉक्टर साहब, दृष्टांत जी जी सर, आवाज आ रही है सर? जी जी डॉक्टर निर्वैर जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी सर, नमस्कार सर जी। नमस्कार हाँ जी, डॉक्टर सभी को नमस्कार। डॉक्टर साहब दी जो मैं पंजाबी विभाग हाँ। दे ST कॉलेज ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ 4 ਅਧਿਆਏ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਸਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸਨ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਓਗੇ ਸਰ। ਐਜ਼ ਏ ਕੁਲੀਗ ਵੀ ਸਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਰ ਬਿਹਤਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। धन्यवाद डॉक्टर डॉक्टर निर्भय जी। और आप इसी तरह से पंजाबी और संस्कृत के जो अंतर हैं उनको कम से कम करने की कोशिश करें। जी मुझे लगता है कि हम बीच में जो विषय है मूल विषय वो सर मैं फिर आपको थोड़ा सा बीच में टोक रही हूँ, तो मैं भी कुछ शब्द बहुत थोड़े से
आपके प्रति जो मैं रूपांतरित कर पाई हूँ उनको लेके आई हूँ, तो मेरे ये अनुरोध है कि आप उन्हें जरूर सुने। आज तक मैं कुछ भी नहीं कह पाई, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कि अपने मन के इन भावनाओं को शब्दों में रूपांतरित कर पाऊँ, तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं कुछ कह पाऊँ। जी हाँ जी 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 मैम, आपको चिंतन परंपरा प्राप्त हुई अपने स्वनाम धन पिता से, संवर्धित किया आपने उसे अपनी निष्ठा और पवित्रता से, एक व्यक्ति पूरी संस्था बन जाता है, यही है ज्ञान परंपरा की अनिर्वचनीयता, संस्कृत साहित्य जैसी शाश्वतता का आनंद आप प्रदान करते रहे आजीवन, आपके व्यक्तित्व के सौरभ से आनंदित होता रहे जन जन का मन, आचार्य पद का सार्थक उपमान है आप, आचारम ग्रहयति जो आचरण को ग्रहण करवाता है, आची नोति बुद्धिम जो बौद्धिक वैभव का संवर्धन करता है, आची नोति अर्थम जो पुरुषार्थ चतुष्टय की ओर अग्रसारित करता है, ऐसे आचार्य का हार्दिक अभिनंदन, हमारे गौरव हैं आप, आपको शुभकामनाएं प्रेरित करती हूं। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार इन सुंदर शब्दों के लिए और इन भावनाओं के लिए, मैं आपका आभारी हूँ। मुझे लगता है कि अब हम पुनः विषय के ऊपर आए, क्योंकि ये प्रशंसा और ये तो मैं समझ सकता हूँ, इस भावना को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त हमारा जो विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और उसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि जी रविंदर जी, सर वो जो दो दृष्टांत रह गए थे पहले, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाह रहा था। एक तो था वो जो काश राजकुमार वाला, उसमें सर जो मूल बात है वो है आसक्ति की, कि वो जो राजकुमार अपनी फोटो के को ही देखकर इतनी आसक्ति वाला हो जाता है और जो उसको प्राप्त नहीं होता, तो वो तो यहाँ पर यदि आप देखें तो भगवत गीता का तो जो केंद्रीय संदेश है वो यही है कि व्यक्ति को आसक्ति विहीन होना चाहिए, आसक्तिहीन होना चाहिए। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने जो लिखी थी गीता पर पुस्तक, उसका नाम ही अनासक्ति योग है, क्योंकि जब व्यक्ति के व्यक्ति का किसी के भी प्रति आसक्ति हो जाती है तो संभावना बढ़ जाती है कि वो अपने कर्तव्यों कर्मों को और अपने स्वभाव को अपनी प्रवृत्ति को भूल जाता है। तो उस दृष्टांत में मैं ये समझता हूँ कि आसक्ति विहीनता का संदेश है। और जहां तक बात है वो जो 10 वाली थी काउंटिंग वाली, तो उसमें मैंने जो अर्थ समझा है कि अक्सर हम क्या करते हैं कि हम दूसरों की ओर ही देखते हैं जी, दूसरों की कमियां निकालते हैं, अपना स्व ध्याय या स्व की ओर नहीं जाते हैं। वो जो साधु जी ने उनको बताया कि दसवां तू है, तो वो एक बात है कि जैसे अपने यहाँ ना 10 भी 5 ज्ञानेन्द्रिया 5 कर्मेंद्रिया, उनमें भी यदि एक भी भूल जाए तो वो अधूरा हो जाएगा। तो इसीलिए ठीक इसी प्रकार से यदि हम देखें तो हमें इस दृष्टांत से जो मैं समझता हूँ संदेश जो शामिल है कि हमें पहले अपने सेल्फ को जानना चाहिए। जो अक्सर हम अपना सेल्फ नहीं देखते, दूसरे के सेल्फ की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे छोटे उदाहरण से अपनी बात खत्म करूंगा, अर्जुन अपने कर्तव्य पथ से क्यों अलग हुआ था, क्योंकि उसने अपने कर्तव्य या अपने आप को नहीं देखा। उसके सामने कौन थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, उनको देखकर वो अपने आप को भूल गया। यानी कि उसको बाकी 9 कौरव पक्ष के लोग तो दिखाई दे रहे हैं और जो 10वां वो खुद है वो भूल गया था। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उस दृष्टांत से हम जो हमें शिक्षा मिलती है कि हम पहले अपने आप को देखें। और एक मिनट और ले रहा हूँ सर, आपकी सेवानिवृत्ति पर मैं तो सबसे बड़ा आभारी हूँ अंकल का, जिन्होंने आप जैसा
व्यक्तित्व को जन्म भी ही नहीं दिया, बल्कि उसको इतना विद्वान, इतना सशक्त और जैसे शिक्षा उन्होंने आपको दी, जो कि समाज के लिए एक अमूल्य देन है। तो आपके साथ साथ मैं बहुत बहुत आभार, इनके शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जिन सुंदर शब्दों का प्रयोग किया, मेरे पास तो उन शब्दों का नितांत अभाव है, लेकिन आप मेरी भावनाओं को अवश्य समझ सकते हैं। तो आप दोनों का विशेष रूप से बहुत बहुत आभार, और आप और अंकल दोनों स्वस्थ रहें और हमें निरंतर प्रेरित करते रहें। रस्ते जो करवा देंगे, बार भी फोन लग गया। अच्छा जी जी। मैं फिर चलता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है, जो कुछ है वो उनका दिया हुआ ही है। जी 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 बिल्कुल। आप इस पे टिप्पणी वापस करना चाहेंगे? चलिए मैं इस पे एक दो टिप्पणी करता हूँ और दोबारा हम इस विषय पे आते हैं। तो देखिए, इस विषय को जब हम दृष्टांत की बात करते हैं, तो एक बार आप इसको दोबारा से इस सारे विषय की गंभीरता को देखें। इस तरह से अपने आप अपने ऊपर को आरोपित करते हैं और फिर उसको उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो इस ये दृष्टांत मेरी समझ से वो इस अर्थ में है कि सुपर इम्पोजिशन एंड डी सुपर इम्पोजिशन को ध्यान रखते हुए हमें इसको समझने की सारी चीजों को है। आवाज ओके 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 ठीक है। तो पहला जो दृष्टांत है वो तो इसी बात को लेकर के है कि सुपर इम्पोजिशन और डी सुपर इम्पोजिशन, और कौन करता है और कैसे करता है, और कैसे इसको आपने डी सुपर इम्पोजिशन करनी है लाइफ में, ये उस सारे प्रोसेस को लेकर के। सेकंड जो है वो है जनक और अष्टावक्र की बात, उसको भी देखिए कि मेरी दृष्टि में ये जो ज्ञान के संबंध में है कि जो उनको सपना आया और जो कुछ उन्होंने सपने देखा, स्वप्न में देखा, और जो उनके जागृत अवस्था में था, तो दोनों में समस्या ये है कि इज दैट ट्रू और दिस इज ट्रू। और हम देखते हैं कि वर्तमान में भूत नहीं है और भूत में वर्तमान नहीं है, तो इन दोनों को हमें समझना होगा कि दोनों में मिथ्यात्व है, दोनों का सत्य से सत्य का संबंध जो है, ट्रुथ का जो संबंध है, वो आपके ऑब्जर्वर के साथ है कि देखा किसने। हालांकि इसको लेकर के आगे और बहुत गहरी चर्चा हो सकती है, बहुत सारे इसके आयाम है कि कैसे हम इसके विभिन्न विषयों को देखें कि ऑब्जर्वर को कैसे डिफाइन करेंगे, और फिर जो जो आपका भूत रहा है,
जो स्वप्न रहा जो पास्ट में था वो ट्रुथ, उस ट्रुथ होने का क्या मतलब है, उसकी रियलिटी का क्या तात्पर्य है, और जो अब वर्तमान बात यही है, आप जो उस सारे को ऑब्जर्व कर रहा है उसके बारे में ज्ञान में भी बात नहीं होती। तो मुझे लगता है कि दशमत्वम् अस्ति वाले जो बात है वो इसी बात को लेकर के है। कि वो दसवां व्यक्ति तुम ही हो, बाकी सब इंद्रियों पर निर्भर करता है। कि और इंद्रियां सारी की सारी बहिर्गामी होती हैं, बाहर की होती है। तो वो जो व्यक्ति जो भी ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर आप हैं, बेसिकली उसकी ओर वो इंगित करने वाला दृष्टांत है। चौथी कथा है वो भी अपने आप में बड़ी विचार है, दृष्टांत है, वो आवाज नहीं आ रही। अशोक जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आवाज, मुझे लगता है आवाज, मुझे लगता है आवाज जी। तो ये जो अंतिम बात थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि जो पंचम कथा है, पांचवी जो दृष्टांत है, उसमें वो है स्वात्म ज्ञान को लेकर के, कि हम लोग जिस संघ में रहते हैं, जिस तरह के वातावरण में रहते हैं, हम उसी तरह से सोचना और व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। और तब कोई गुरु आता है और वो हमें बताता है, समझाता है कि तुम वस्तुतः क्या हो, तुम्हारे अपनी पहचान क्या है। तो ये पांचवी कथा इस रूप में हमें दिखाई देती है। तो ये कुल मिलाकर के पांच जो है, ये मैंने आपको पांच दृष्टियां जो है वो आपके साथ सांझी की हैं। हालांकि इनकी व्याख्या के और भी तरीके हो सकते हैं, कम्युनिज्म से लेकर, सेकुलरिज्म से लेकर के, दलितवादी साहित्य से लेकर के भी इनकी व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन वो हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रखती और ना वो कोई प्रयोजन सिद्ध करेंगी। हाँ, ये अवश्य है कि हम इसकी एक जो बौद्ध दर्शन की दृष्टि से और अन्य अन्य जो दर्शन है उन सब दृष्टियों से इन पांच दृष्टांतों को देखें तो मुझे लगता है कि हमें अपने जीवन में बड़ा एक लाभ है कि हम ठीक ठीक देख पाए, ठीक ठीक समझ पाए और फिर तदनुकूल जो स्वस्थता है उसके अनुसार हमारा व्यवहार भी स्वस्थ हो जाए। तो ये जो पार्श्व, जैसे कि मैंने शुरू में आप लोगों को ये दिखाया था एक चित्र, एक ही हाथी है, उसको जब अंधे लोग देखते हैं, अंधे लोग क्या है, कंडीशनिंग है कि हम जिस कंडीशनिंग में वस्तुओं को देखते हैं वो एक पक्षीय होती है। तो इसलिए उस कंडीशनिंग को डीकंडीशन करने के लिए मुझे लगता है कि ये दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमें बहुत सारी दिशाएं दे सकते हैं। और अगर हम इन दृष्टांतों को
बार बार चर्चा करें और इनके ऊपर विचार करें तो मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से एक स्वस्थ और सफल जीवन जीने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, ये मेरा इसके प्रति दृष्टिकोण है। बाकी बुद्धिज्म की दृष्टि से यदि कोई बात कर सकता है या जैन परिप्रेक्ष्य में बात कर सकता है या कोई अन्य दृष्टिकोण आपके पास है तो जरूर इसके ऊपर आप अंतिम टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम जो है इसको सारी वार्ता को पूर्णता की ओर अग्रसर करेंगे। आप में से कोई किसी प्रकार टिप्पणी करना चाहता हो तो कर सकते हैं। आशुतोष जी, डॉक्टर विनय, यदि कोई सहभागी जो जिस प्रकार से मैंने भगवद गीता से जोड़ा है उसके ऊपर भी कोई बात कहना चाहे तो उनका भी स्वागत है। जी सर, सर नमस्कार। सर आज मैं आपको देख रही हूँ और मैं बिल्कुल मूक सी हो गई। जी सर, जी सर, सर अब ठीक कह रही है कुछ? हेलो 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 जी सर, सर आज मैं सुन रही हूँ और मूक सी और विवल सी हो गई हूँ, ना तो कुछ समझ आ रहा है, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हाथ से छूट रहा है और कुछ लिखने का प्रयत्न कर रही थी। और ये जो दृष्टांत है इसको जैनिज्म की दृष्टि से सद अस्ति सदनास्ति इस बाब में देखा जा सकता है कि हमारे अनेक दृष्टिकोण इस विषय में हो सकते हैं कि किसी भी दृष्टांत को हम अपने अपने भाव में जब देखते हैं तो जैनिज्म का जो नयवाद है वो इसमें शायद बहुत अच्छे तरीके से सम्मिलित होता है। हेलो, थैंक यू मैम। जी 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 सर, और सर मैं दो बात आपके विषय में भी कहूंगी कि बहुत लंबा साथ रहा और दो पीढ़ियों से मैंने ज्ञान प्राप्त किया, पिताजी भी गाइड रहे, डॉक्टर वंदनीय डॉक्टर रमाकांत जी, और आपसे बहुत ज्ञान प्राप्त किया और ईश्वर की कृपा से आपका आशीर्वाद दोनों का बना रहा सिर पर। और जो भी मैंने आज जीवन में प्राप्त किया है मैं आप दोनों की देन मानती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी बहुत बहुत लंबी आयु हो और मैं आपसे जुड़ू ना जुड़ू यही प्रार्थना है कि आप मेरे को उसी तरह से जगाते रहना जिस तरह से आप निरंतर मुझे जागृत करते रहे हैं। दो शब्द हैं कि ब्रह्म ऋषि तुल्य पिता पुत्र ज्ञान परंपरा के प्रसार हेतु निस्वार्थ भाव से इस संपूर्ण ज्ञान भारतीय ज्ञान विषयों को निरंतर आपने दीप जगाए हैं, सैकड़ों दीप जगाए हैं और ये दीप निरंतर आप जगाते रहे यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हमें हमारे हृदय में तो आपका स्थान है लेकिन आप हमेशा हमारे साथ बने रहें, एहसास करवाते रहें कि हमारे आसपास ही हैं, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। आज मैं दृष्टांत के बारे में आज मैं कुछ भी सुनना नहीं जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा भावुक हो रही हूँ आपको देखकर। जी थैंक यू सर। हेलो, धन्यवाद मैम। हाँ जी मैम, डॉक्टर भारती बंधु जी मैम स्वागत है, ज्वाइन किया हमें। नमस्कार आशुतोष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और आपकी कर्मठता इसी से सामने आ रही है कि आप अपने रिटायरमेंट के दिन पे भी वेबिनार कर रहे हो और ये आशा है कि रिटायरमेंट के बाद कॉलेज से रिटायर हो जाओगे पर ये वेबिनार्स से आप रिटायरमेंट नहीं लेने वाले हो, ये मुझे पता है। ये तो चलता ही रहेगा, ये तो जीवन का जो है एक पाथेय है आपके लिए मुझे ऐसा लगता है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत ही सुंदर अपने कार्यक्रमों के साथ अपना पूरा जो आपका कार्यकाल था में एक अपना उदाहरण प्रस्तुत किया है। सब याद किया करेंगे कि आशुतोष जी ऐसे सेमिनार्स किया करते थे और वो चलते रहने चाहिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
कि टीचर की रिटायरमेंट हो तो वो ज्ञान चर्चा पे ही रिटायरमेंट होनी चाहिए, बाकी तो पार्टी पार्टी को तो ज्यादा अर्थ नहीं रखती इन सब विषयों पर। तो मैंने रखा तो इसीलिए था कि इस विषय पे हम चर्चा करें और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन चलिए आगे का देखते हैं कि अब, और आज मुझे द्विज शब्द का अर्थ भी समझ में आया। द्विज जिसे हम कहते हैं वो होता है दोबारा जन्म होना। तो आज ये 60 वर्ष पूरे होने के बाद और जब मेरे ऊपर ये सारे बंधन औपचारिकताएं समाप्त हो गई हैं, तो अब एक नया जन्म कल से होगा, तो ये एक द्विज होने की मुझे लगता है परिभाषा के लिए बड़ा युक्तिसंगत है। तो चलिए बहुत अच्छा रहा, आप लोगों के भावनाएं भी मैंने सुनी और उनके प्रति मैं अपना आदर भाव व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने जो कुछ मेरे लिए कहा वो मेरे मेरे लिए नितांत आदर के योग्य है। बाकी तो कमी तो सभी में रहती है, कोई ना कोई दोष और हर तरह की बात रहती है व्यवहार में भी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतना मान दिया ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। तो मुझे लगता है कि आज की इस परिचर्चा के ऊपर यदि किसी की कोई और टिप्पणी है तो करें, तो नहीं तो फिर हम इसको आज पूर्णता की ओर अग्रसर करें। आज की इस परिचर्चा को मुझे लगता है यही हम पूर्ण करते हैं, क्योंकि समाप्त तो कुछ नहीं होता, वो केवल फॉर्म बनता है, वो चाहे एनर्जी की फॉर्म में चला जाए या मैटर की फॉर्म में चला जाए, तो कहीं ना कहीं उसमें एक रूपांतरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो आज में आज के इस वेबिनार में आप सभी लोग जुड़े और मुझे आप लोगों ने बहुत सुंदर और बेहतरीन शब्दों से मुझे सम्मानित किया है, वो भावाव्यक्ति की है, उसके लिए मैं आप सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस वेबिनार के लिए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, आप लोगों ने जिस तरह का सहयोग किया है, क्योंकि ये वेबिनार करना कोई लक्ष्य नहीं था, वेबिनार और सेमिनार ये कोई लक्ष्य नहीं होते, लक्ष्य तो है कि ज्ञान के जो विभिन्न आयाम हैं उन को हम देखें समझें और उनको निरंतर एक्सप्लोर करते रहें, लक्ष्य ये होता है, बाकी वो एक औपचारिक फॉर्मेट होता है जिस संस्था में कार्यरत हैं। तो इस बात को हम अग्रसर रखेंगे, ज्ञान चर्चाएं आगे भी चलती रहेंगी, करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने इसके आयाम हैं उन सभी आयामों को हम देख सकें, समझ सकें और उसको जीवन के साथ जोड़ भी सकें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप लोगों के प्रति मैं अपना पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। संस्कृत विभाग की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करने का पुनः पुनः आभार विराम देते हैं। धन्यवाद सर, कैन आई थैंक यू।